नमस्कार, मैं हूं श्रावण दिन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने अवैध देसी दारू की भट्टी चलाने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुंब्रा पुलिस को जानकारी मिली थी कि दिवा परिसर कांदल गांव में अवैध रूप से देसी दारू की भट्टी चलाई जा रही है, जिसके बाद मुंब्रा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर पासलकर और उनकी टीम ने छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में हानिकारक केमिकल बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस ने यदुराज भगत, दिनेश भगत को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 200 लीटर दारू की क्षमता वाली टांकी, 200 लीटर की क्षमता की हानिकारक रासायनिक से भरा प्लास्टिक के 56 ड्राम, 200 लीटर क्षमता के देसी दारू से भरे हुए 10 प्लास्टिक के ड्राम, 500 लीटर क्षमता के रासायनिक से भरा हुआ 2 प्लास्टिक, 35 लीटर मिट्टी का तेल, 24 बोरी गुड़, साथ ही 10 बोरा नवसागर बरामद हुआ है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों पर 328 कलम 34 दारू बंदी कायदा कलम 65 का के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक MR सिंधे कर रहे हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।